वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको डोरी की मदद से डबल वी नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम देखते हैं कि ये वी नेक डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है। इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर हम इसकी मेजरमेंट्स के निशान लगाएंगे। 3.5 इंच मैंने गले की विड्थ रखी है और 7.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसका हम पैटर्न ड्रा कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बुकरम के साथ कट करके रखा हुआ था तो वही मैंने इसके ऊपर रख के कट कर लिया। अब 1-1 इंच का हम थोड़े थोड़े फासले पे निशान लगाते जाएंगे। इन मार्क्स को जो हमने मार्क किए हैं इनको चॉक की मदद से आपस में मिला लेंगे। उसके बाद ये जो हमने पैटर्न ड्रा किया है इसके दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन से हम कट कर देंगे तो ये हमारे पास वी नेक जो है ये कट होके आ गया है। इसके बाद इसके ऊपर हम इसको हम ड्रा कर लेंगे। ये डोरियां मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई हैं तो ये मैं 1-1 इंच के फासले से ये मैंने डोरियां लगाई हैं। 1-1 इंच के फासले से 2-2 डोरियां लगाई हैं। बस आपने इनकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि ये सही डायरेक्शन में लगें। पहले हमने इसकी बाहर वाली तरफ से सिलाई लगाई है, उसके बाद अब हम इसको ये अंदर की तरफ से जोड़ रहे हैं, एक उस साइड से डोरी पकड़ के और एक दूसरी साइड से। इसी तरह हम इसको जोड़ते जाएंगे और सारी डोरियां हम जोड़ लेंगे। जो हमने लाइन नीचे ड्रा की हुई थी हमारी सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आनी चाहिए ताकि डिज़ाइन में कोई फ़र्क ना आए। अच्छा, ये हमने सारी डोरियां जोड़ ली हैं। उसके बाद हम कपड़े की एक पट्टी लेंगे। ये मैंने बिल्कुल सीधा कपड़ा नहीं कट किया बल्कि मैंने अरेब की शेप में कट किया है। गले के अंदर वाली साइड पर कपड़ा रख के तो हम इसको जोड़ देंगे नीचे की तरफ। तो मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है, यानी कि वी शेप को कट कर लिया है। उसके बाद हम उस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये अरेब वाला कपड़ा हमने इसलिए लिया था ताकि हमारी इस पाइपिंग के अंदर जो है जूल ना आए। इस तरह हम दोनों पार्ट्स के ऊपर हम पाइपिंग ये कर लेंगे। ये देखिए हमारे, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को साथ रखते हैं तो ये वी शेप जो है ये इसकी बन गई है। मैंने शर्ट के ऊपर ऑलरेडी वी शेप का गला बनाया हुआ था। अब ये जो पैटर्न्स जिनके ऊपर हमने डोरियां लगाई हैं इसको हम शर्ट के निचली तरफ रखेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल कि ये ठीक आए। ये मैंने सेंटर से रख के लगाना शुरू किया है ताकि ये बिल्कुल ठीक इसकी शेप आए। कपड़े को साथ साथ आप लोगों ने मोड़ते जाना है और निचले पैटर्न को भी, ताकि कपड़े के अंदर किसी किस्म का कोई झूल ना आए और हमारा नेक ख़राब ना हो। ये एक साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड की भी सिलाइयाँ लगाएंगे, उसको भी सेंटर में रख के तो ये सिलाई लगा देंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी तरीके से ये बता सकूं। अच्छा, ये हमारा नेक तैयार हो गया है। वी शेप के सेंटर में जो जहाँ पर ये दोनों डोरियाँ पसंद मिली थी वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे कोई फ्लावर या फिर कोई बटन वगैरह भी अटैच कर सकती हैं। अगर कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।